सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू ट्रेनिंग स्टेटस वीडियो को बनाने वाले हैं। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बिटमार एंड सकेपिट को इंपोर्ट करना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे लाइट मोशन में आ जाना है और प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पे 916 का साइज को सेलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया वाला आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो जो फोल्डर में आपका फोटो है, सिंपली आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको किसी एक फोटो को ऐड करना है। तो जो भी आपका फेवरेट फोटो, यानी कि जो भी आपका अच्छा लगता है जो भी फोटो, उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। तो मैं इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है एंड करेंट फ्रेम एच पीएनजी में सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। सो फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से सेव का आइकन आएगा, आपको सेव करना है और इस फोटो को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है एंड इस प्रोजेक्ट से भी आपको बैक आ जाना है। और इस प्रोजेक्ट से बैक आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जैसे आप बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से ये जो राउंडेड रेक्टेंगल लिखा हुआ है उसके ऊपर जो न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, इस लेयर पे क्लिक करना है और आपको कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, इस टैक्स पे क्लिक करना है कहीं पर भी, और आपको ऊपर अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो आपने फोटो को क्रॉप किया उस क्रोपेड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे इतना कर देंगे, इस प्रकार से आपका जो फोटो है वो एड हो जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 5 सेकंड पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका नॉर्मल फोटो है, सिंपली अब आपको उस नॉर्मल फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, कि उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें नॉर्मल फोटो है। फिर आपको फोटो एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है एक बार और यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी फोटोज़ को एड करते रहना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, और इसी प्रकार से फिल कंपोजिशन एरिया करके इस प्रकार से ट्रिम करते रहना है। तो लास्ट जितना भी फोटो ऐड होगा, सभी फोटोज़ को आप ऐड कर लेना। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग दे सकते हो। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे सभी फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। ओके, वैसे ज़्यादा फोटो है नहीं, तो फोटो मैंने ऐड कर लिया है। अब जैसे फोटो को आप ऐड कर लेते हैं, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस प्रोजेक्ट से बैक आना है और आपको सर्टिफिकेट प्रीसेट को पिन करना है। ओके, फिर आपको नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला इमेज है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके सी डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है और यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है और स्लाइड करके आगे जाना है, और यहाँ पर जो आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है ये आप लोग देख सकते हो। ओके, ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, अब पहला फोटो हमारा 6 सेकंड पे, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। सो हम इस फोटो को छोड़ के बात कर रहे हैं, इसमें आपको इफेक्ट नहीं पेस्ट करना है, बिकॉज इसमें पहले से सब कुछ लगा हुआ है। तो आपको इधर जो है ना फोटो, इसमें इफेक्ट को पेस्ट करना है। सो इसी प्रकार से नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है एंड इसी प्रकार से 10 सेकंड वाले फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करना है, इसी प्रकार से आपको 11 सेकंड वाले फोटो में पेस्ट करना है। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको पेस्ट करते रहना है। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला फोटो, इसमें मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सो इसी प्रकार से आपको सही फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ से बैक आना है और आपको सर्टिफिकेट प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर का तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर करना है और यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो गाइस, फिर आपको इस डबल आइकन पे क्लिक करना है, पेस्ट थ्री लेयर करना है, फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर का तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसका लेंथ लास्ट लेके आ जाना है। अब जैसे इतना कर लेंगे, आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको ऊपर शेयर के आइकन पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है।
सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।